पुराना पीएचसी में तैनात एसएमओ व क्लर्क द्वारा एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों की सर्विस बुक के साथ छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि एसएमओ व क्लर्क मिलकर उनकी सर्विस बुक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन मामला स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि उच्च अधिकारी वे क्लर्क दोनों मिलकर उन्हें डराने व धमकाने के लिए लगातार पुलिस में झूठी शिकायतें दे रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बार बार अपना फील्ड सर्वे छोड़कर थाना चौकियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मामला स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्री, जिला उपायुक्त व सिविल सर्जन तक भी पहुंच चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो उन्हें मजबूर होकर धरने पर। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों से क्या है सच्चाई। मैं सब सेंट्रल किशोर पे ड्यूटी है, पुराना सीएचसी पे ही रहती हूं मैं, 13 साल हो गए हैं। मेरी 2007 की ज्वाइनिंग है, मेरी सैलरी अब 43,000 चल रही है, जबकि मेरी तनख्वाह 49,000 है। मेरी सर्विस बुक में पूरी में कटिंग की हुई है, और मैंने कई बार पूछा इसे मेरी तनख्वाह करते तो पागल है, इतनी तनख्वाह। अच्छा, कौन बोलता है इस बात को? अच्छा, टेजन बोलते हैं कि वो इतनी तनख्वाह है तेरी, पागल है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड क्या है आपकी, आपने अकाउंट में आपके 43,719 सैलरी स्लिप में क्या है? हाँ जी, आपकी एक सैलरी स्लिप बनाई जाती है, उसमें सैलरी क्या है आपकी परमानेंट? मेरी सैलरी 49,426। अच्छा जी, और ये तनख्वाह डाल रहे मेरे 43,000। किस बात, क्यों? ये सर्विस बुक में कटिंग करके, मतलब जब फिक्स हुई थी 35,400, उसमें सर्विस में कटिंग करके बेसिक पे 35,400। शिव है और मैं पीएचसी जूना पे एमपीएचडब्ल्यू के पद पे हूँ, और एक्चुअली में मेरा वहाँ जाने का कारण ये था कि मेरे को यहाँ पे, मैं पहले तिगाँव था, पीएचसी तिगाँव पे, और सीएचसी मेरी यही लगती थी, यहीं से हमारी सैलरी आती है, और मेरी कई बार सैलरी में भी मतलब बहुत लेट डाली थी, तीन महीने बाद मेरी सैलरी डली थी जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद, और टॉर्चर किया जा रहा था कि भाई कुछ ले देगा, कुछ बात बने ऐसी। कौन कहता है इस बात को? और ये टेकचंद जो यहाँ पे क्लर्क है, और सेकंडली के आगे वो कहता है कि मैं रोहतक और झज्जर वालों को घुटने के बल चला के चलाता हूँ, और मतलब सबको टॉर्चर करता है, सबको पता है इस बात का, सभी इम्प्लॉइज, किसी की तो उसने पूरी सैलरी की सैलरी उड़ाई, उसको वैसे सैलरी स्लिप दे दी कि भाई ऐसे ऐसे उसने कांड किए हैं, लेकिन एक्शन यहाँ कुछ होता नहीं। हम भी काफी दूर के हैं तो हमारी यहाँ मेजोरिटी कम की। अब क्या मांग करते हो? अब आप क्या मांग करते हो? अब ये मांग करते हैं कि ये तो मतलब उसी को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, और गिल्टी वही है, दोषी वही है।